बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, और इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशेंसी, और इसको हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और इसके फवाइद क्या है। तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशेंसी इज़ यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ रिंग और अनसेचुरेशन इन अ मॉलिक्यूल। ये हमें क्या बताता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने डबल बॉन्ड मौजूद है या इसके अंदर कितने रिंग पैटर्न मौजूद है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि हमें ये क्लू देता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने रिंग मौजूद है और इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड मौजूद है। अब यहाँ पर हमने कुछ थ्योरी लिखी है कि वंस द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिटरमिन्ड, the index of hydrogen deficiency or DBE value can be calculated with the help of following formula. अगर हमारे साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम हो जाता है तो फिर हम आसानी के साथ उसकी DBE value निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने इसका फार्मूला लिखा है कि फार्मूला क्या है। तो DBE value का जो फार्मूला है वो ये है कि summation of नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर फार्मूले में जो जो एटम मौजूद होते हैं इनके साथ वही हम लिखते हैं। तो समेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम वैलेंसी वैलेंसी ऑफ दैट एटम विच आर प्रेजेंट इन द फार्मूला, सो माइनस टू प्लस समेशन ऑफ एन एच, और यहाँ पर वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन माइनस टू, यहाँ पर इसी तरह हम, और यहाँ पर लास्ट में प्लस वन है, डिवाइड बाय टू। और अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखे तो समेशन एन वी माइनस टू, वी का मतलब क्या है वैलेंसी, डिवाइड बाय टू प्लस वन। अब हम एग्जांपल के तौर पर पाइरीडीन को लेते हैं, पाइरीडीन, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पाइरीडीन। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, और इसी तरह नाइट्रोजन एटम कितने हमारे साथ मौजूद है। तो DBE वैल्यू 5 का मतलब क्या है, यहाँ पर हमने 5 क्यों लिखा है। तो 5 हमने यहाँ पर इसी वजह से लिखा है कि कार्बन एटम हमारे साथ 5 है, 5 मौजूद है, और इसकी वैलेंसी क्या है, तो इसकी वैलेंसी 4 है और माइनस टू फार्मूले में। इसी तरह नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 है और इसकी वैलेंसी 1 है हाइड्रोजन एटम की, माइनस टू प्लस 3 प्लस 1, और नाइट्रोजन एटम की वैलेंसी 3 और माइनस टू फार्मूले में है, प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो 4 माइनस 2 तो यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ पर माइनस 5 आ जाता है, और यहाँ से प्लस 1 आ जाता है, और यहाँ से ये वाला प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 5 2s are 10, तो यहाँ पर 10 आ जाता है, यहाँ पर माइनस 5 और यहाँ पर प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 5 plus 1, यहाँ से जब इसको हम माइनस करते हैं तो 5 plus 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। अब हम इस साइड पर आते हैं कि DBE वैल्यू 6 डिवाइड बाय 2, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6 प्लस 1, DBE वैल्यू हमारे साथ 3 plus 1, तो 3 plus 1 क्या हो जाता है 4। अब इस 4 का मतलब क्या है, DBE वैल्यू हमारे साथ 4 आई है तो इस 4 का मतलब क्या है, ये हमें क्या क्लू देती है। तो DBE वैल्यू ऑफ पाइरीडीन इज 4 विच शोज दैट द 3 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग इज प्रेजेंट इन पाइरीडीन स्केलेटन, के पाइरीडीन के स्केलेटन में 3 डबल बॉन्ड मौजूद है और 1 रिंग मौजूद है। तो अब हम पाइरीडीन के स्केलेटन पर आते हैं कि ये ट्रू है, यस, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड मौजूद है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड मौजूद है और 1 रिंग मौजूद है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 रिंग मौजूद है। तो DBE वैल्यू हमें एक क्लू देती है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने बॉन्ड मौजूद है, कितने डबल बॉन्ड मौजूद है और इसके अंदर रिंग कितने हैं। अगर हमारे साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की DBE वैल्यू 1 आती है तो इसमें या तो एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा। इसी तरह अगर हमारे साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की DBE वैल्यू 2 आती है तो या तो एक रिंग होगा
और एक डबल बॉन्ड होगा या दो रिंग होंगे। इस तरह अगर हमारे साथ डीवी वैल्यू 3 आती है तो इसका मतलब दो रिंग होंगे या एक डबल बॉन्ड होगा। तो इसी तरह ये हमें एक क्लू देती है, द डीवी वैल्यू गिव अस अ क्लू अबाउट द डबल बॉन्ड और रिंग पैटर्न प्रेजेंट इन द स्केलेटन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ओके, थैंक।